हेलो एवरीवन, आज हम फाइंड आउट करेंगे स्क्वायर ऑफ एनी थ्री डिजिट नंबर। हमारे पास ये थ्री डिजिट नंबर है 205, तो हमें क्या करना है, तीन बना लेने हैं ब्लैंक, ठीक है, तीन स्पेस क्रिएट कर लेना है। और हमें क्या करना है, इन दोनों डिजिट को एक कंसिडर करना है और इसको एक अलग डिजिट कंसिडर करना है। तो 05 को हम कंबाइन कर लेते हैं, ठीक है, और एक डिजिट मानते हैं, और 05 का हम निकालते हैं स्क्वायर। तो 05 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, जो 5 का स्क्वायर होगा, है ना, 0 का तो कोई मतलब नहीं है, क्या हो जाएगा, 25, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, इस 25 को हम यहाँ लिख देंगे, तो दो डिजिट हम एक स्पेस में यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इस 2 को उठाएंगे और इसका स्क्वायर कर देंगे, तो 2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। इस 4 को मैं यहाँ पे उठा के लिख दूंगी। नेक्स्ट मैं क्या करूँगी, इस 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करूँगी 05 के साथ, और फिर मल्टीप्लाई करूँगी इस स्क्वायर वाले 2 के साथ, ठीक है। तो 05 को तो मैंने एक डिजिट माना था, है ना, यानी कि 05 क्या हो गया था, आपका 5 हो गया था। तो हमें क्या मल्टीप्लाई करना है, 2 इंटू 5 इंटू 2, तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 5 10 इंटू 2 20, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 20। तो आंसर क्या आया आपका 205 का स्क्वायर का, 4 2 0 2 5। इसे एक बार देख लेते हैं, हमारे पास थ्री डिजिट नंबर है 205, इन दोनों को मैंने एक डिजिट कंसीडर कर ली है 5, क्योंकि 0 का कोई मतलब नहीं है, और इस 2 को मैंने अलग बना लिया है। तीन स्पेस में क्रिएट करती हूँ, इसमें भी मैं दो डिजिट लिख सकती हूँ और इसमें भी मैं दो डिजिट लिख सकती हूँ, तो दोनों में दो दो डिजिट लिख सकती हूँ। अगर एक भी डिजिट एक्स्ट्रा होगी तो वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगी नेक्स्ट वाले स्पेस पे, ठीक है। सबसे पहले मुझे क्या करना है, इस 05 का स्क्वायर निकालना है, तो क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, 25। तो मैं इस वाले स्पेस में लिख दूंगी 25, क्योंकि यहाँ पे मैं दो डिजिट लिख सकती हूँ, ठीक है। नेक्स्ट मैं क्या करूँगी, इस 2 का स्क्वायर करूँगी, 2 का स्क्वायर करूँगी तो क्या आ जाएगा, 4, उसको मैं यहाँ पे लिख दूंगी। अब यहाँ पे क्या लिखना है आपको, यहाँ पे आपको लिखना है 2 × 5 × 2, ठीक है, है ना, इंटू 0 नहीं करना है, क्योंकि अगर इंटू 0 कर देंगे तो सब चीज़ 0 हो जाएगी। तो 0 और 5 को मैं क्या मान लेती हूँ, सिर्फ 5, तो क्या करना है, 2 × 5 × 2, तो क्या हो जाएगा, 20। इस 20 को मैं यहाँ लिख दूंगी, क्योंकि यहाँ पे भी मैं दो डिजिट लिख सकती हूँ, तो आंसर हो जाएगा 42025, है ना आसान। एग्जाम्पल है 612 का स्क्वायर, इन दोनों को मैं एक डिजिट मान लेती हूँ, 12 को एक डिजिट मान लेती हूँ और 6 को एक डिजिट मान लेती हूँ, तीन स्पेस क्रिएट करती हूँ, ठीक है। सबसे पहले मैं 12 का स्क्वायर करूँगी, जिसको मैंने एक डिजिट माना था, आपको सबको पता है कि 12 का स्क्वायर क्या आता है, 144, है ना, तो ये कुछ स्क्वायर्स तो हमको ऑटोमेटिकली याद रहते हैं, ज़बानी याद रहते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं सिर्फ दो ही डिजिट लिख सकती हूँ, तो मैं 144 का खाली 44 लिख दूंगी और 1 को मैं यहाँ पे कैरी पहुँचा दूंगी, ठीक है। नेक्स्ट मैं क्या करूँगी, 6 का स्क्वायर करूँगी, क्या आ जाएगा, 36, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 36 एज इट इज़, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखना है, ये इंटू 12 × 2, 12 एक डिजिट हो गई थी, ठीक है, तो 6 × 12 × 2 करना है हमको, 6 × 2 क्या हो गया, 12, ठीक है, 12 × 12 क्या हो गया, अगेन 144 प्लस 1, 144 प्लस 1 क्या हो गया आपका, 145, ठीक है। लेकिन सिर्फ दो ही डिजिट मैं लिख सकती हूँ, तो मैं यहाँ पे लिख दूँगी क्या, 45, और 1 को यहाँ मैं कैरी पहुँचा दूँगी, ठीक है। अब आंसर क्या होगा आपका, 36 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 37, यहाँ का 45 और यहाँ का 44, तो ये आ गया आपका आंसर 374544, 612 का स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 425 का स्क्वायर, आपको फाइंड आउट करना है। 25 को एक डिजिट मान लीजिए, 4 को एक डिजिट मान लीजिए, तीन स्पेस क्रिएट करिए, ठीक है। यहाँ पे भी मैं दो डिजिट लिख सकती हूँ, यहाँ पे भी मैं दो डिजिट लिख सकती हूँ, दो डिजिट से ज़्यादा होगा तो वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा नेक्स्ट वाली स्पेस में, ठीक है, है ना। तो सबसे पहले क्या करना है, 25 का स्क्वायर करना है आपको, तो हमें सबको ज़बानी याद होता है कि 25 का स्क्वायर 625 ही होता है। अगर नहीं याद है तो मेरे प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था कि टू डिजिट नंबर का स्क्वायर कैसे निकालना है, हम वैसे निकाल लेंगे, ठीक है। कैसे निकालते थे हम टू डिजिट नंबर का स्क्वायर, हम क्या करते थे, तीन स्पेस क्रिएट करते थे, ठीक है, देन
यहाँ पे भी एक डिजिट आ सकती है, यहाँ पे भी एक डिजिट आ सकती है ना। तो हम करते थे 5 का स्क्वायर क्या आता था आपका 25। यहाँ मैं 5 लिखूँगी, 2 इधर पहुँचा दूँगी एज ए कैरी। यहाँ मैं करूँगी 2 का स्क्वायर आ जाएगा 4, 4 में यहाँ पे लिख दूँगी। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखूँगी मैं 2 इंटू 5 इंटू 2, जितने भी डिजिट है सबको इंटू कर दूँगी। तो 2 5 द 10, 5 2 द 20 एंड 20 प्लस 2 कितना हो जाएगा 22। तो 22 का 2 यहाँ लिख दूँगी और 2 यहाँ पे ऐसे कैरी पहुँचा दूँगी क्योंकि यहाँ पे भी एक ही डिजिट आना है। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, आंसर आ जाएगा आपका 4 प्लस 2 यानी कि 6, फिर ये वाला 2, देन ये वाला 5, तो 625 है ना। 25 का स्क्वायर क्या है 625। यहाँ पे हम कितना लिख सकते हैं, सिर्फ 2 ही डिजिट लिख सकते हैं यानी कि 25 लिख सकते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे 2 डिजिट लिख दिया 25 और 6 को मैंने पहुँचा दिया कैरी नेक्स्ट वाली स्पेस पे। ठीक है, फिर मैंने किया 4 का स्क्वायर तो कितना आ गया 16, मैंने यहाँ पे लिख दिया 16। ठीक है, फिर मैंने किया 4 इंटू 25 इंटू 2, 4 इंटू 25 इंटू 2, तो 4 2 दा होता है 8, 8 इंटू 25 आपको करना है। ऐसे कर सकते हैं 25 इंटू 2 पहले कर लें तो कितना आ जाएगा 50, सभी को पता है 25 इंटू 2 50 होता है, और हमें पता है कि 50 इंटू 4 हम करेंगे तो क्या आ जाएगा 200 है ना। तो कुछ मल्टीप्लिकेशन तो बहुत ही आसान होती है, तो हम उस तरह से करते हैं 25 इंटू 2 50, 50 इंटू 4 200, 200 में 6 को ऐड कर दूंगी मैं तो क्या आ जाएगा 206। लेकिन सिर्फ 2 ही डिजिट मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ, तो मैं 0 और 6 लिख दूंगी और इस 2 को कैरी पहुँचा दूंगी नेक्स्ट वाली स्पेस पे या कॉलम पे। ठीक है, आंसर क्या होगा 16 प्लस 2 यानी कि 18, ये वाला 6 है ना, ये वाला क्या है 06 है, 0 भी मानेंगे, एंड ये वाला 25। तो आंसर क्या आ गया आपका 180625, है ना। बहुत आसान है, बस ध्यान नहीं रखना था कि 25 को हम एक डिजिट मानेंगे और 25 का स्क्वायर वैसे तो ज़बानी याद होना चाहिए हमको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए 625, अगर नहीं है तो हम 2 डिजिट वाले से हम स्क्वायर निकाल सकते हैं। इसके लिए आप मेरा प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं, है ना।